हेलो। तो आज हम करने वाले हैं 2023 गेट लाइफ साइंसेस का जूलॉजी का न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो ये था एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। इसमें पूछा हुआ था अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 वाइल्ड डॉग्स इन अ ग्रासलैंड ऑफ 360 इन अ ग्रासलैंड जिसमें 360 एंड 480 डॉग्स हैड ब्लैक बॉडी कलर विद जीनोटाइप्स कैपिटल बी कैपिटल बी एंड कैपिटल बी स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली इन द सेम पॉपुलेशन रिमेनिंग डॉग्स वेर वाइट इन कलर विद जीनोटाइप स्मॉल बी फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल बी इन द पॉपुलेशन। तो इसमें हमें ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो लिख लेते हैं। कैपिटल कैपिटल बी दिया हुआ है 360 और कैपिटल बी स्मॉल बी दिया हुआ है 480 और ये दोनों मिलकर ब्लैक कलर दे रहे हैं और जो स्मॉल बी है वो है वाइट कलर का वे तो जीनोटाइप स्मॉल बी उसको हमें निकालना पड़ेगा। वो नहीं दिया है क्वेश्चन में, वो निकलेगा बाय सब्ट्रैक्टिंग। लाइक ये दो जीनोटाइप्स दिए हैं और बस इसी का नहीं दिया है तो 1000 टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स माइनस ये जो 360 प्लस 480 इन दोनों को अगर 1000 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जो निकलेगा वो स्मॉल बी का नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट इज स्मॉल बी में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है वो है 160। अभी पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल बी। तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम इसका मतलब कितने नंबर ऑफ स्मॉल बी एलील्स प्रेजेंट है तो 160 जो है वो डिप्लॉयड कंडीशन में है तो टोटल 160 ले लेंगे। बट ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है इसमें बस एक एलील जो है स्मॉल बी है तो 480 का हाफ ले लेंगे हम लोग क्योंकि दो में से एक है तो 480 का हाफ होगा दैट इज 240। 160 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू ये हो जाएगा द फ्रीक्वेंसी लाइक 1000 में से इतने लोगों के इतने नंबर ऑफ स्मॉल बी एलील्स हैं। बट आउट ऑफ 100 अगर हम देखें तो इंटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.4। तो 0.4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें क्वेश्चन बोला था अ मैच्योर रैट स्पर्म सेल हैज 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ जीनोमिक डीएनए दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ अ हैप्लॉइड जीनोम। मतलब बोल रहे हैं कि हैप्लॉइड जीनोम है जिसमें 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ जीनोमिक डीएनए दिया है। कंपेयर्ड टू दिस स्पर्म सेल द अमाउंट ऑफ जीनोमिक डीएनए इन अ सोमैटिक सेल व्हिच इज इन G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल विल बी कितना पूछा है। मतलब वो बोल रहा है कि एक हैप्लॉइड सेल है क्योंकि स्पर्म सेल हमारा हैप्लॉइड होता है तो उसको हम लोग एन कंसिडर कर लेते हैं। उसमें दिया है 2.5 माइक्रोग्राम ऑफ जीनोमिक डीएनए कंपेयर टू दिस सेल मतलब इसको कंपेरिजन में द अमाउंट ऑफ जीनोमिक डीएनए इन सोमैटिक सेल विच इज इन G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल। सोमैटिक सेल मतलब क्या है? सोमैटिक सेल मतलब बॉडी का कोई भी नॉर्मल सेल वो डिप्लॉयड कंडीशन में होगा तो 2n कंडीशन में होगा तो मतलब हैप्लॉयड का डबल डिप्लॉयड कंडीशन अगर हम लें तो हैप्लॉयड कंडीशन में दिया है 2.5 डिप्लॉयड कंडीशन में होगा उसका डबल यानी 5 हो जाएगा। बट वो पूछा है इन द G2 फेज ऑफ द सेल साइकिल तो मतलब क्या माइटोसिस करने जा रहा है वो G2 फेज में है मतलब पहले वो माइटोसिस मतलब क्या इक्वेशनल डिवीजन होता है तो 2n से पहले वो सिंथेसाइज करता है अपना एक रेप्लिका जो कि यहाँ पे दिखा रहा है एक रेप्लिका उसका बन चुका है S फेज G1 S उसके बाद G2 फेज आ रहा है मतलब उसका एक और रेप्लिकेटेड फेज बन चुका है तो इसका मतलब वो 2n का भी डबल हो चुका है मतलब 4n DNA कंटेंट बन चुका है उसके सेल में तो यहाँ पे हो जाएगा 5 था अगर यहाँ पे डिप्लॉयड कंडीशन में तो यहाँ पे 10 होगा ताकि वो आगे जाके 5-5 रख पाए अपने डॉटर सेल्स में तो इसलिए G2 फेज में उसका हो जाएगा 10। नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन था 102 वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला फीमेल हैविंग 3 लिंक्ड जीन्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी कैपिटल सी मतलब ये जो दिए हैं जीनोटाइप दिया हुआ है सारे पेरेंट मतलब ऑफस्प्रिंग्स का तो और पूछा है कि रिकॉम्बिनेशन मैप डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मैं बता रही हूँ पूरा प्रोसेस कि कैसे क्या करना होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व। तो पहले हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है हाईएस्ट किस जीनोटाइप में आ रहा है तो 241 आ रहा है इस जीनोटाइप में 252 आ रहा है इस जीनोटाइप में जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है मतलब हम उसको मानते हैं कि वो पैरेंटल जीनोटाइप के जैसा सिमिलर है तो उन दोनों को पहले लिख लेंगे 241 इज कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्योंकि वो क्रॉस किया गया है विथ रिसेसिव म्यूटेंट तो हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी को
लेंगे और स्मॉल ए बी सी हर जगह कांस्टेंट है, स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, स्मॉल ए बी सी, मतलब एक हैप्लॉयड कांस्टेंट है कि स्मॉल ए बी सी है, दूसरा जो है उसका हम रिकॉम्बिनेटेड फेज में कंसिडर कर रहे हैं। तो कैपिटल ए बी सी हम ले लेंगे 241, वैसे ही इसका स्मॉल में 252, क्योंकि स्मॉल वाले जो है स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक कंडीशन छोड़ के बाकी जो बच्चा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी उसको ले लेंगे। तो ये रहा स्मॉल ए बी सी कंडीशन, ये रहा 252, ये दोनों हो गए हमारे पैरेंटल कंडीशन जो हाईएस्ट दो नंबर्स थे। उसको छोड़ के जो सबसे लोएस्ट नंबर्स हैं इसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं डबल क्रॉसओवर कंडीशंस, क्योंकि डबल क्रॉसओवर बहुत रेयरली होता है। तो ये वाला कंडीशन हम देख सकते हैं 17 और ये वाला 14, ये दोनों सबसे कम लग रहे हैं हमें। तो इसमें इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल ए बी सी को छोड़ देंगे, स्मॉल इन दोनों में स्मॉल ए को अगर छोड़े तो बच्चा कैपिटल ए, इन दोनों में स्मॉल बी को अगर हम छोड़े और एक स्मॉल बी, और इन दोनों में स्मॉल सी को अगर छोड़ दे तो एक कैपिटल सी। तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी है इसका जेनोटाइप, स्मॉल ए कैपिटल स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी 14। और वैसे ही 17 जो हम देखते हैं उसमें इसका जेनोटाइप है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये हो गया 17 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद जेनोटाइप दिस। तो ये दोनों है डबल क्रॉस ओवर और ये दोनों है पेरेंटल, पहले हमें इतना पता चल गया कि पेरेंटल कौन है और डबल क्रॉस ओवर कौन है। अभी इन दोनों में हमें पता करना होता है कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए जीन का, ए बी सी होना चाहिए या बी ए सी होना चाहिए या सी ए बी होना चाहिए। तो वो चेक करने के लिए हम डबल क्रॉसओवर और पेरेंटल को चेक करते हैं। सपोज पेरेंटल का हमने ये वाला कंडीशन लिया, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। अभी डबल क्रॉसओवर में इसको देखते हैं, ये पहले वाले नंबर को कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। अभी इन दोनों में डिफरेंस जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे डबल क्रॉसओवर, मतलब वो वाला जीन हमारा मिडिल में होना चाहिए। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं बी, यहाँ पे पहले कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी सारे कैपिटल में थे, बट जब डबल क्रॉसओवर हुआ तब जो यहाँ पे बी की जगह स्मॉल बी आ गया है, इसका मतलब ये हमारा सेंट्रल जीन है, मतलब इस जीन को बीच में रखना है, इस एलील को बीच में रखना है। तो हमारा सीक्वेंस हमें पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस दिया है सही सीक्वेंस दिया है, कैपिटल मतलब ए बी सी हमारा जीन का एलोटेप एलील्स की सीक्वेंस है ये ए बी सी। अभी हम चलते हैं क्रॉसओवर चेक करने के लिए। तो हमें सीक्वेंस पता चल गया ए बी सी और स्मॉल ए बी सी के बीच क्रॉसओवर हो रहा है, मतलब ये हमारा पेरेंटल था कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी, कैपिटल ए बी सी स्मॉल ए बी सी। अभी क्रॉसओवर करवाते हैं बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के अगर क्रॉसओवर करवाएंगे तो ऐसे होगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और ऐसे होगा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो इन जीनोटाइप्स को अभी हमें ढूंढना है। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी को अगर हम ढूंढें तो कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी ये वाला कंडीशन रहा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, तो 112 इसको ले लेंगे 112। फिर स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कंडीशन ये रहा स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कंडीशन, 103 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है, तो 103 हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब ए और बी के बीच क्रॉसओवर करवाए तो बस यही दो जीनोटाइप्स पॉसिबल है। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे, मतलब सिंगल क्रॉसओवर रिजल्ट्स ए और बी के बीच उन दोनों को पहले ऐड करेंगे, फिर डबल क्रॉसओवर जो हुआ है उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा ना, क्योंकि डबल क्रॉसओवर मतलब क्या, ए मतलब ऐसा हुआ होगा ए फिर बी फिर सी, तो उसमें भी तो ए और बी के बीच रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो उसको भी यहाँ पे ऐड करेंगे। पहले सिंगल क्रॉसओवर रिजल्ट्स ऑफ ए एंड बी उन दोनों को ऐड करेंगे और डबल क्रॉसओवर का जो सम है उसको ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू 100, वो हमारा आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। सिमिलरली बिटवीन बी एंड सी होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, बिटवीन बी एंड सी अगर हम देखें वो क्रॉसओवर ऐसा होगा ए कैपिटल बी स्मॉल सी और स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी। इन दोनों जीनोटाइप्स का पहले फ्रीक्वेंसी निकाल के उन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर उसके साथ डबल क्रॉसओवर का रिजल्ट जो है उसको ऐड करके डिवाइड बाय 1000 × 100, वो हमें दे देगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बिटवीन बी एंड सी, मतलब रिकॉम्बिनेशन मैप डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। और वो पूछा है बिटवीन ए एंड सी, तो इन दोनों को ऐड करने से जो आएगा वो आएगा बिटवीन ए एंड सी, क्योंकि पहले हमने ए और बी का निकाला, फिर B और C का निकाला, ये B होना चाहिए, फिर हमने B और C का निकाला, फिर उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा बिटवीन A एंड C, दैट इज 53.8 इज द आंसर।
मतलब यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को ऐड किया, 24.6 और 29.8, वी गॉट 53.8। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन द लेंथ ऑफ डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज 13.6 किलोमीटर इफ द डीएनए डबल हेलिक्स वेज 10^-8 ग्राम पर 1000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स एंड द राइज पर बेस पेयर इज 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, देन द वेट ऑफ द डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल विल बी व्हाट। मतलब वो बोल रहा है कि डबल हेलिकल डीएनए दिया है, उसमें दिया है कि बिटवीन द बेस पेयर्स द डिस्टेंस इज 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स एंड राइज पर बेस पेयर इज 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, ओरिजिनली भी यही होता है। एंड वो दिया है द लेंथ ऑफ डबल हेलिकल डीएनए मॉलिक्यूल इज 13.6 किलोमीटर, टोटल डीएनए का लेंथ दिया है और हमें राइज पर बेस पेयर दिया है, तो हम निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं, क्योंकि ईच बेस पेयर के बीच अगर 3.4 एमस्ट्रॉन्ग है और टोटल लेंथ हमारा 13.6 है, तो 13.6 डिवाइडेड बाई एक बेस पेयर के बीच कितना डिस्टेंस है, तो हमारा नंबर ऑफ बेस पेयर्स आ जाएगा। तो मैंने वही किया है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इज इक्वल टू 13.6 किलोमीटर्स को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया है, 13.6 × 10^3 दैट इज इक्वल टू 13600 डिवाइडेड बाई एक बेस पेयर का जितना डिस्टेंस है दैट इज 3.4 एमस्ट्रॉन्ग, इज इक्वल टू 3.4 × 10^-10। उसको हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स निकल के आ जाएंगे। अभी वो बोला है कि हर 1000 न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स में बेस पेयर्स का वेट दिया है 1 × 10^-18 ग्राम, मतलब इसमें हमारा नंबर ऑफ बेस पेयर्स आ जाएगा। सपोज 5000 बेस पेयर आया, वो बोल रहा है कि हर 1000 बेस पेयर्स का वेट 1 × 10^-8 ग्राम है, तो 5000 बेस पेयर्स का कितना होगा, 5 × 10^-8 ग्राम, क्योंकि 5000 मतलब 5000 बेस पेयर्स हैं। वैसे ही हमें नंबर ऑफ बेस पेयर्स पहले काउंट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे बाय 1000, सो क्योंकि पर 1000 इतना वेट दिया है, तो नंबर ऑफ कितने नंबर ऑफ 1000 बेस पेयर्स हैं वो हमें पहले देखना पड़ेगा। तो 13600 मतलब इसी नंबर को मैंने यहाँ पे वापस से लिखा है ताकि नंबर ऑफ बेस पेयर्स हमारा आ जाए इससे, दिस इज नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिवाइडेड बाई 1000 इंटू वेट ऑफ ईच 1000 बेस पेयर जो कि है ये। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये मैंने रफ कैलकुलेशन किया हुआ था, मैंने 13.6 को ऐसे ही लिखा है, 13.6 × 10^3 मीटर्स इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3.4 × 10^-18 टू फाइंड द नंबर ऑफ बेस पेयर्स डिवाइडेड बाई 1000, ताकि नंबर ऑफ 1000 मतलब कितने नंबर ऑफ बेस 1000 बेस पेयर्स हैं वो निकल जाएगा, इंटू ईच 1000 बेस पेयर का वेट है 10^-18, उसको मैंने डिवाइड किया है तो 10^-3 − 3 कट, 10^-10 और 10^-8, ये -10 ऊपर जाके +10 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे ओवरऑल -8 बचेगा। और फिर यहाँ पे 13.6 डिवाइडेड बाई 3.4 दैट इज इक्वल टू 4, उसको 4 × 10^-8 आ रहा था बट हमें नैनोग्राम्स में पूछा है आंसर, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 10 से और एक 10 मल्टीप्लाई किया। जब हम यहाँ पे 10 डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 10 मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 40 आ जाएगा × 10^-9 ग्राम्स आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 40 नैनोग्राम, ये 10^-9 ग्राम को नैनोग्राम में लिख लूँगी, तो 40 नैनोग्राम इज द आंसर।